Also follow me on अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज यार हम लोग रुके हुए हैं जी यासीन वैली ही, और अभी जस्ट मैं नाश्ता करने लगा हूँ, उसका दिखाऊंगा, देन आपको दूंगा एक होटल टूर। गोइंग टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट प्लेस, दिस इज द ब्रेकफास्ट बासित भाई अदील भट्ट बगैर तारीफ के। और ये अभी नाश्ते के साथ हमारे पास आ गया है जी दूध। This is the hotel where we stayed last night, Heaven Star Hotel. So this is the hotel, और ये है जी रिसेप्शन। यार बहुत ही अच्छा इन्होंने होटल बनाया हुआ है, और ये रूम्स हैं जो कि सब के सब बुक हैं इस टाइम। और ये एक रास्ता निकलता है बैक साइड की तरफ, इस साइड पर भी रूम है, इस साइड पर वॉशरूम है, और ये भी रास्ता निकलता है बाहर वाली साइड पर। सो अभी यार हम मौजूद हैं हेवन स्टार यासीन सेंटर में, ये मौजूद है। और इसका कितनी देर होगी इसको? तकरीबन दो साल हो गए यार। मतलब हमने लास्ट नाइट इधर स्टे किया है, और बहुत अच्छा होटल है, खाने का इंतज़ाम इनके पास प्रॉपर है, पार्किंग की भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की है हमारी। लाइक जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी रात को, स्पेशली जब इन्होंने देसी लस्सी हमें पिलाई है, सो वो बेस्ट थी। अभी तक हमने पूरे रूट के ऊपर वो नहीं पी अभी तक। तो सर आपका नाम क्या है? शमशेर अली नाम है सर। शमशेर अली, तो जब भी आप इस रूट पर आएँ तो लाजमी यहाँ ही आपने स्टे करना है। बहुत अच्छा होटल है, और इकोनॉमिक रेट है इनका, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यह है कि आप जब भी इधर आके स्टे करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। रूम जो है वो भी बहुत हद तक कह लेंगे आप एग्जैक्ट हम जिस तरह के हम रिक्वायर कर रहे थे वही चीज़ है। साफ सुथरे रूम है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, और इवन ये दिखा दें इनको, ये डाइनिंग की जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपकी इस वीडियो के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। फार अवे फ्रॉम फैसलाबाद से यहाँ पूरे हमारे होटल को आपने चूज़ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। सर आपके पास जो भी इधर आएगा जी, हम जरूर इंशाल्लाह उनको, हम अपने व्यूअर सबको कहेंगे कि जो भी इधर आए लाजमी इनके पास ही आकर रुको। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा होटल है, और प्लेस भी काफ़ी अच्छी है। मैं जैसे पहले बता दूँ, प्लेस काफ़ी अच्छी है, उसके बाद जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो आउट ऑफ द वे जाके आपने दी हैं सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर रेडी, और अभी निकलने लगे हैं, और अभी मैं चाहते हुए आपको यासीन वैली दिखाता हूँ सारी की सारी। सो अभी ये है जी फोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट यासीन पास के अंदर है ये। लाइक पीछे बोर्ड आ चुका था यासीन पास का, वो एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड है उस पर ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। और हमारे साथ आज मौजूद है जी एनएस भाई, जो कि हमारे साथ एक बाइकर है, हमारे साथ आए हुए थे। और इसका सीन कुछ ये है फोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट का, कि इसके अंदर जितने भी रूम्स हैं इन सबको एक एक फोर्ट का नाम उन्होंने दिया हुआ है। लाइक एक थीम बेस्ड होटल है, और उसका आपको मज़ा आएगा अगर आप इधर स्टे करते हैं। बट इसमें जो इशू है वो ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। लाइक इसका 5000 से स्टार्ट होता है, और अप टू 20000 तक इसके रूम्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। लाइक कल हम यहाँ रुके थे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुके क्योंकि हम आगे चले गए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? 7 स्टार रुके। अभी आगे जो जो आती हैं वापसी पर, हमारा क्योंकि अभी रूट वापसी का है, अभी वापस जा रहे हैं, और जो जो चीज़ रास्ते में आएगी मैं आपको वो भी दिखाता रहूँगा। मंची मतलब यार छोटे छोटे इधर ना जितनी भी चीज़ें हैं, सारे छोटे छोटे कस्बे वगैरह हैं, टाउन छोटे छोटे गांव, वो आते ही रहते हैं, और ये सब के सब इन्होंने नाम किसी न किसी पहाड़ी से इसलिए के नाम पर भी अक्सर औकात में रखे होते हैं। बिजियोट मेगालीथ, इस जगह के बारे में लिखा है जी के ब्रॉन्ज एज स्टोन फॉर्मेशन कंप्राइज। यार ये इसका
आसान सा सीन ये है कि जो इधर अभी मानते हैं जी कि ये जो पत्थर है ये जितना भी है ये चीज़ सुपर नेचुरल जो है बींग देव जिसको मानते थे इंडियन, तो जब से गीज़र है क्योंकि लैंड ऑफ देव्स माना जाता है गीज़र को, तो ये पत्थर उन्होंने रखा है और जो भी कोई इसको हिलाने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है इसके स्ट्रक्चर को, तो वो जी एक्सपीरियंस करता है बैड लक को। और ये है वो जगह जिस पत्थर के बारे में ये मशहूर है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये मानना नहीं है। अभी ये आ चुका है जियोट, जैसा कि हम लास्ट पढ़ के आए, क्योंकि अभी हम वापस जा रहे हैं यासीन खास से निकल के वापस जा रहे हैं, तेज़ अब सारी की सारी मेरे लेफ्ट साइड पे आ रही है। अगर मैं जाते हुए कल क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका, दैट्स व्हाई अभी मैं वापसी पर जाते हुए जो जो चीज़ें हैं वो आपको यासीन खास की दिखा रहा हूँ कि रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कौन कौन से इन्होंने पॉइंट्स लिखे। ये आ चुका है जी अतकश, जितनी भी वैलीज हैं बहुत ही खूबसूरत है, छोटे छोटे गांव आते रहते हैं, राइट लेफ्ट पे सीनरीज ही सीनरीज होती हैं, लाइक आप जिस मर्जी साइड पे मुंह कर लें आपको हमेशा सीनरीज ही नज़र आए। और पाकिस्तान खूबसूरत बड़ा है, लेकिन ये देखें अब ये इसके रोड की कंडीशन भी बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से लोग इधर नहीं ट्रैवल कर पाते। ब्रिज है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी एक और चीज़ आई है, वो है जी मोर का लश्ती रॉक कार्विंग। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है इन्होंने, दिस साइड इज लोकेटेड नियर द नोवा ब्रिज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, देर आर मोर देन 40 बोल्डर्स बेयरिंग रॉक कार्विंग्स ऑफ हंटर्स टाइगर्स फिलाइन मार्कोर आईबैक्स बोल एंड एटसेट्रा बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक फीचर्स एंड पटीना कलर्स, दीज कार्विंग्स आर प्लेस्ड इन ब्रॉन्ज एज पीरियड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर रिपोर्टेड विद डिफरेंट डेकोरेटिव एलिमेंट्स विच आर वेरी कॉमन इन ब्रॉन्ज एज रॉक आर्ट, मैटर टू द मोस्ट कॉमन एनिमल इज मार्कोर विद लॉन्ग बे हॉर्न ट्रिपी टेल्स। अब ये देखें ऊपर उन्होंने उसकी हल्की हल्की शेप्स भी बनाई हुई हैं कि ये किस तरह की लगती हैं। अब इसके आगे इन्होंने यहाँ से ही एक रूट निकाला हुआ है जो कि वो वहाँ तक जाता है और उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। अब ये सारे का सारा अभी ये टूवर्ड यासीन से हम बैक ही जा रहे हैं, लाइक इसको हम यासीन वैली ही इंक्लूड करेंगे इस टोटल को, क्योंकि कॉर्नर पर एक बोर्ड आता है वहाँ लिखा आता है जी यासीन वैली टूवर्ड्स यासीन वैली, इस सारे को यासीन वैली ही कंसिडर करें। अभी आ चुका है जी गिंदाए और इसकी बुलंदी इन्होंने लिखी हुई है, उसके बाद गुप्स यहाँ से 13 किलोमीटर है, लाइक हम वहाँ से ही लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे जहाँ से ब्रिज आता है, ब्रिज तो नहीं है खैर लेफ्ट साइड पे, वैसे ही उन्होंने कर्व एक बनाया हुआ है, वहाँ से होते हुए वहाँ से एक एक्सटेंशन है सामने, दो रोड डिवाइड होते हैं वहाँ से डिवाइजन है, वहाँ से होते हुए हम टूवर्ड्स गिलगित को मूव करेंगे। फिर खूबसूरती है वो हर जगह की अपनी ही खूबसूरती है, पहाड़ी सिलसिला हो जाए, ग्रीनरी हो जाए, दरख्त हो जाए, रोड हो जाए, हर जगह का इधर अपना एक मज़ा है। कल इस टाइम जब हम इधर से गुजर रहे थे तो सर्दी की जो है शिद्दत वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोग इधर स्टे भी नहीं किया क्योंकि थकावट भी काफ़ी हुई हुई थी और हम डायरेक्ट आगे मूव करते जा रहे थे, तो मैंने सोचा वापसी पे क्यों ना आपको ये भी दिखा दी जाए। और अभी आ चुका है जी दमलगन, इसकी बुलंदी यहाँ लिखी हुई है 7318 फुट है और बस यहाँ से रह गया है जी 10 किलोमीटर, और ये इसके ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल हर चीज़ लाइक करने के लिए इसको भी करें, लेकिन इधर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको देसी ही मिलेंगी, देसी सब्जियां, हर चीज़ देसी है और व्यू इधर से भी कुछ कम नहीं है। लाइक यासीन वैली जो मैंने जहां तक अंदाज़ा लगाया है वो सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत है, लाइक आगे दरकोट तक जाती है, लेकिन दरकोट के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, लास्ट टाइम भी हम तकरीबन दरकोट से थोड़ी देर पहले ही रुक गए थे, और मे बी इन फ्यूचर अल्लाह ने कोई प्लान रखा हो कि हम दोबारा से आएँ और आगे दरकोट तक जाएँ, लेकिन यार ये बहुत खूबसूरत है, अब तो रोड भी काफ़ी अच्छा है इसका, इजीली एक्सेसिबल है ये। और इसके बाद आ जाता है जी हल्तर, और इसकी बुलंदी 7364 लिखी हुई है, गुस्सियाँ 9 किलोमीटर है, और ये बेसिकली सारे के सारे पहाड़ी सिलसिले हैं जिनके नाम पर इन्होंने छोटे छोटे जो हैं गाँव इधर बनाए हुए हैं और जहाँ बहुत से लोग रहते हैं, हर गांव की इधर अलग से आबादी है और हर कोई अपना अपना इधर बैठा काम कर रहा है। और अभी हम जाएंगे वापस की तरफ ही
ताकि मैं आपको सारी की सारी जो भी इधर की खसूसियात हैं यासीन की वो बता सकूँ। और अब जो सबसे लास्ट में आता है वो है जी सिली हरंग, और यहाँ से खूबसूरत 6 किलोमीटर रहता है। और यहाँ पर ये सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं एक चेक पोस्ट है, जगह बिल्कुल मेरे सामने है, वो लिखा हुआ है जी पुलिस चेक पोस्ट। और यहाँ अपनी शिनाख्त करवानी होती है, लेकिन आने के वक्त जाने के वक्त नहीं जा सकते हैं आप सुकून से इधर से। और अभी आगे भी दो चीज़ें आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर उनकी क्या स्पेसिफिकेशन। अब एक और आता है जी जो लास्ट चेक पोस्ट थी, जहाँ पे जो दिखा हुआ है जी सिली हरंग मेगालिथ, जो कि लास्ट पे एक चेक पोस्ट है जो अभी हम क्रॉस करके आए हैं। वहाँ लिखा जी सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर फाउंड इन द कॉन्फ्लक्स ऑफ यासीन एंड थंडर वैली कंप्राइज्ड ऑफ बोल्डर्स अबाउट 6 फीट हाई एंड 4 फीट वाइड दैट आर अरेंज्ड इन सर्कल विद अपराइट स्टोन and a capstone on each big stone. These structures are thought to be built by Dev, supernatural beings. ये उनका मानना है जो पुराने थे। And local believe these areas are still in the possession of Dev. ये लिखा हुआ है, वो ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं, तो इस तरह का लगता है ये। बट यार हमारा तो अल्लाह पे यकीन है, हमें इससे क्या। बड़ी अच्छी बात कही है। और ये आ गया एक और चरतोई दरवाज़ा, परी दरवाजे के नाम से जो कि मशहूर है। अब इन्होंने इससे लिखा हुआ है दिस ह्यूज गेट लाइक फीचर इन द माउंटेन सिचुएटेड इन गुफ्स वैली बिहाइंड द जंक्शन ऑफ यासीन एंड थंडर रिवर इज थॉट टू बी अ गेटवे ऑफ फेरीलैंड। अच्छा, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट एन एल्डरली फेरी यूज्ड टू लिव इनसाइड द फोर्ट एंड द डोर वुड ओपन ऑन ईच फ्राइडे। Local people were not allowed to sow onion and garlic in their kitchen garden as it was disliked by the fairy mother. A newlywed couple from the community had to offer a sacrifice hen at the gate, otherwise a calamity may befall them. The locals of Yasin have kept this practice alive and appreciate it fondly. So, अभी हमें एक भाई मिले हैं, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे जो भी मतलब शादी जब होती है, जब भी दुल्हा और दुल्हन गुजरते हैं, तो इधर ब्लड जो है जानवर का खून निकालते हैं, लाइक उसकी कुर्बानी देते हैं और फिर आगे गुजरते हैं। और ये आज भी रस्म इसी तरह ये कायम दायम है इनके यहाँ, और लोग जो भी न्यूली वेड कपल होता है वो ये लाजमी रस्म अदा करता है। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। और ये भाई जिन्होंने बताया, आपका गुड नेम? शाहबान शाह भाई हैं जिन्होंने अभी हमें बताया है इसके बारे में। और सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जितनी भी चीज़ें थी यासीन के अंदर, यासीन ख़ास से लेके पीछे तक, वो सब की सब मैंने आपको बता दी हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ताकि जो और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हैं और नई से नई प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको पता लगता रहे। और अभी जस्ट हम पहुँच चुके हैं जी, ये लिखा है हम इस होटल में रुके थे, यासीन हेमन स्टार होटल ये है, और रुके थे। और इसका भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही लैविश और अच्छे किस्म का होटल नहीं। ये इन्होंने एक जगह लिखा हॉस्पिटैलिटी इज़ आवर ट्रेडिशन। और लेट्स गो टू द यासीन बोर्ड, उसके ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग चलते चलते ही पहुंच चुके हैं यासीन वैली के बोर्ड के पास। और यासीन वैली का जो सीन है, इसको यासीन खास भी बोला जाता है। और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के, जो अभी मैं आपको आते हुए रास्ते में दिखा के आया, छोटे छोटे जो पहाड़ी सिलसिले आते हैं, उसके बाद यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो उधर कोट पास जो है, जो कि उधर जाके मिलता है जी क्रम्बर की तरफ, वो भी आता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 20th century के अंदर लिखा जी यासीन वाज एन इम्पोर्टेंट किंगडम कंट्रोलिंग द शॉर्टेस्ट एंड द ईजिएस्ट रूट बिटवीन द ऑक्सस एंड इंडस रिवर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि दरकोट पास की वजह से, जहाँ हम लोग इस तरह भी अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके, जो कि टूअर्स यरखून की तरफ जाके मिलता है। हवलदार लालक जान बिलोंगिंग टू यासीन इज द फर्स्ट एंड द ओनली निशान हैदर पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री गारंट्री अवार्ड रिसिपिएंट फ्रॉम गिलगत बल्तिस्तान। और अभी यार कल एक दोस्त कह रहा था कि ये वाक्य निकलता है, दरकूज जो है वो निकलता है क्रम्बर फाई साइड पर। अभी उन्होंने लिखा हुआ कि यारखून लश्त में निकलता है चित्राल, जो कि हम लास्ट टाइम जब गए थे क्रम्बर तो वो था बिल्कुल। और आज के लिए यार अब इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।